दुनिया की बड़ी नेमत आपकी सेहत है। सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आप सुखी हैं, आप सेहतमंद हैं, तो दुनिया की तमाम नेमतें आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप बीमार हैं, आप मर्ज लेकर फिर रहे हैं या अमराज लेकर फिर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी नेमत आपको अच्छी नहीं लगती। और अक्सर जो अमराज हम लेते हैं वो डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल से लेते हैं, रहने सहने से लेते हैं, माहौल से लेते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से हमें अमराज फैल सकते हैं। यानी मर्ज से अमराज में जो मुबतला होते हैं वो हमारी बेहतियाती है। जैसे नाई, पुराने ज़माने में नाई कहते थे, मौजूदा हालात में ब्यूटिशन कहते हैं, पुराने ज़माने में हजाम की दुकान कहते थे, अब जो है ब्यूटी पार्लर कहते हैं। तो ये ब्यूटिशन की दुकान से जो है हम बहुत सारे अमराज लेते हैं। मेरे पास जितने मरीज़ आए तो उनको जो है हेपेटाइटिस, कैंसर जैसा ख़तरनाक मर्ज जो है वो हजाम की दुकान से फैला। और आज पूरी दुनिया में अवेयरनेस दी जा रही है कि जब भी आप हजाम की दुकान पे जाएं तो आप बहुत सारी उनके जो औज़ार हैं उनका आप तकाजा कीजिए। मैं तो ये आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों को मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ आप बाकी अखराजात करते हैं तो साल का 2000 रुपये अपने औज़ार के लिए रख लीजिए। यानी उसमें कैंची है, उस्तरा है, और ये थ्रेडिंग मशीन है, ये ब्रश है, कंघी है, कंघी से अच्छा आप ब्रश भी ले सकते हैं, कपड़ा है, ये आप अपना खुद से परचेज कर लीजिए। फिर आपका जो टावल है, टावल आप खुद से परचेज कर लीजिए। जब भी हजाम की दुकान पे जाएं तो ये तमाम चीज़ें आप साथ लेकर जाइए, टावल, कटिंग का कपड़ा और ये तमाम औज़ार जो है, और साथ में अपना कलर भी अलग लें। और हजाम से कहिए जितना कलर आपके बालों को कलर करने के लिए चाहिए उतना आप इस्तेमाल करवाएं और वापसी आप घर ले आइए। ये आप अपनी चीज़ें परचेज कर लेंगे तो आप अमराज से बचे रहेंगे। सबसे पहले जब हजाम की दुकान में जाएं तो आप कपड़ा जो है अपना तकाजा कीजिए कि वो साफ़ होना चाहिए, दूसरा आपका तौलिया साफ़ होना चाहिए, तीसरा जो है सबसे अहम बात, सबसे अहम मैसेज नाज़रीन को देना चाहता हूँ कि आप हजाम को देखें, जो आपका ब्यूटिशन है, जो आपका नाई है, वो क्या खुद साफ़ सुथरा है। आप कोशिश कीजिए अपने हजाम से आप कहिए सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, या डिटोल सोप से हाथ धोएं, या डिटोल साबुन से हाथ धोएं, या फटकड़ी से हाथ धोकर फिर आपके जिस्म को, आपके चेहरे को वो हाथ लगाए। दूसरा, उसके नाखून साफ होना चाहिए। तीसरा जो है उसके कपड़े साफ़ होने चाहिए, ड्रेसिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि ब्रांड ड्रेसिंग हो, लेकिन ड्रेसिंग उसकी साफ़ होनी चाहिए। पहला काम ये, दूसरा कपड़ा और टावल, तीसरा फिर ब्रश की आप देखें कि ब्रश उसका साफ़ है, कंघी साफ़ है जो आपके बालों में फिर रहा है, फिर उसके बाद कैंची आप देखें, कैंची उसकी साफ़ है, चौथा ये उस्तरा जो है, उस्तरे में जब ब्लेड डाले तो अच्छी कंपनी का ब्लेड होना चाहिए ताकि आप अमराज से बचें। एक छोटे से ब्लेड से आपको कैंसर हो सकता है, एक छोटे से ब्लेड से आपको हेपेटाइटिस सी हो सकता है। मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हजाम की दुकान से लेकर कैंसर तक, हजाम की दुकान से लेकर हेपेटाइटिस सी तक, हजाम की दुकान से लेकर अस्पताल तक का सफ़र, हजाम की दुकान से लेकर अस्पताल से लेकर मौत तक का सफ़र, मौत से लेकर कब्रिस्तान तक का सफ़र, आपको हजाम की दुकान से ये चीज़ें, मर्ज आपको हो सकते हैं। इसलिए आप इन अमराज से बचिए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल कीजिए। लेकिन थ्रेडिंग मशीन अक्सर हम जो है हजाम की इस्तेमाल करते हैं, ये एक बंदे के लिए एक थ्रेडिंग मशीन होती है, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। ये थ्रेडिंग मशीन आपको कहीं से मिलेगी, कोई हजाम आपको थ्रेडिंग मशीन वहाँ पड़ी हुई लगाता है तो कभी आप ना लगवाइएगा, इससे आपको कैंसर यरकान हो सकता है। कैंसर जो है आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए इंसान के लग रहे हैं, मगर इंसान फिर भी मौत के मुंह में चला जाता है।
तो जनाब बड़े बड़े आफ्टर शेव इस्तेमाल होते हैं ब्रांडेड, तो सबसे बेहतर जो आफ्टर शेव लोशन है वो है आपकी फटकड़ी। मैं खुद भी ये इस्तेमाल करता हूँ और मैं तो फटकड़ी अपने साथ लेकर जाता हूँ, यानी जिस भी ब्यूटिशियन के पास जाऊँ तो फटकड़ी साथ रखता हूँ। इससे एक तो आपकी स्किन बेहतर रहती है, दूसरा पिंपल्स एक्नीज नहीं होते, तीसरा जो है स्किन आपकी ख़राब नहीं होती, एलर्जी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ, मैं नाज़रीन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आफ्टर शेव लोशन को छोड़कर फटकड़ी इस्तेमाल कीजिए। फटकड़ी पर मेरे 20 लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं, इसके फ़वाद जो हैं। हाँ, अगर आपको स्किन आपकी ख़राब हो, आप कलर आप बेहतर करना चाहते हैं, तो तब भी जो है फटकड़ी खरल करके इसमें दूध मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए और वो उबटन लगाइए, वो आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। फिर जब सैलून में आप जाएं तो आप हमेशा फ्रेश पानी का तकाजा कीजिए, अपना अलग बर्तन ले जाइए, छोटा सा कप ले जाइए और उस कप में जो है पानी आप साफ लीजिए और उस पानी में आप फटकड़ी डाल लें थोड़ी सी, तो उससे जर्म्स जो हैं वो सारे मर जाएंगे। ये पानी आप अपने ब्यूटिशियन से तकाजा कीजिए कि पानी आपको बदल के दे, पहले वाला पानी ना पड़ाओ, पहले वाला पानी पड़ाओ तो इससे भी बीमारियां फैलती हैं। मुझे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं कि हम ब्रांड ब्यूटिशियन के पास जाते हैं। भाई ब्रांड कोई नहीं होता, कब्रिस्तान में कोई ब्रांड नहीं है, वहाँ सारे मुर्दे जो हैं मट्टी में जाते हैं, वहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि आप सादगी से रहें। कहते हैं सादा जिंदगी और पकीज़ा लिबास इज्जत और उम्र बढ़ाने की दवा है। मैं जब भी किसी सैलून में जाता हूँ, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके बड़े महंगे सैलून हैं, मुझे फ्री की ऑफर करते हैं, पेशकश करते हैं, लेकिन आज तक मैं उनके सैलून में नहीं गया। मैं हमेशा सादा सैलून देखता हूँ और साफ सैलून देखता हूँ। तो दूसरा, अपने जो मेरा ब्यूटिशियन है, जो मेरा नाई है, उसको देखता हूँ कि ये साफ सुथरा है, इसने ड्रेसिंग अच्छी साफ की हुई है। महंगा जूता, महंगा घर, महंगी घड़ी, महंगा सूट, महंगा मोबाइल, इन चीजों से इंसान बड़ा नहीं होता। आपकी सोच आपको बड़ा बनाती है, आपका विजन जो है आपको बड़ा बनाता है। तो इन चीजों में ना रहिए कि महंगी चीज आप लेंगे तो वो अच्छी होगी, नहीं, सादगी से रहें और सेहतमंद रहें। सेहतमंद रहें तो आपकी सबसे बड़ी ब्रांड जो है वो आपकी सेहत है। ये जो कहते हैं ना, बड़े ब्रांड में जाते हैं, बड़े सैलून में जाते हैं, तो भाई जिनकी हराम की कमाई है, जिनकी नजायज कमाई है, जिनकी रिश्वतखोरी है, वो तो बड़े ब्रांड में जाकर फिर उसके बाद डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, जहाँ हजारों से लाखों रुपए लगाते हैं। तो बड़े ब्रांड से इंसान बड़ा नहीं होता, बड़े सैलून जाने से इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती। जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं कि हकीम साहब हम फिशल करवाते हैं, भाई फिशल भी ये धोखा है। आप फटकड़ी से या दूध लगाइए, या शहद लगाइए, या डिटोल लगवाइए, या सादा साबुन इस्तेमाल कीजिए। आप जो है घर में उबटन बना सकते हैं हल्दी का, शहद का, और सबसे अच्छा उबटन जो है वो शंख है, शंख के कुश्ते का उबटन बनाइए, उसमें हल्दी डाल लीजिए, शहद डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए। फिर एलोवेरा आपके पास मौजूद है, एलोवेरा का पेस्ट ले लीजिए, उसमें बादाम डाल लीजिए, उसमें आप दूध डाल लीजिए और उसमें शहद डाल लीजिए। शहद के बारे में अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, शहद की तारीफ फरमा रहे हैं, तो शहद सबसे बड़ा उबटन, शहद सबसे बड़ा फिशल। तो आप अमराज से बचिए, सेहतमंद रहिए और मेरे लिए दुआ फरमाते रहिए।